दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेहड़ा। पुलिस विभाग द्वारा हाल ही में आयोजित की गई पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में सिख अभ्यर्थी को किरपान पहनकर परीक्षा में बैठने से रोकने का मामला तूल पकड़ गया है। आज जिला मुख्यालय के गुरुद्वारा शहीद सिन्हा में एकत्रित हुए सिख समुदाय के सैकड़ों लोगों ने इस मामले को लेकर कड़ा विरोध दर्ज करवाया। इसके बाद सभी लोगों ने गुरुद्वारा साहिब से एसपी ऑफिस तक रोष रैली भी निकाली। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व सदस्य डॉक्टर दलजीत सिंह भिंडर ने इस रैली की अगुवाई की। इस दौरान डॉक्टर भिंडर ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा से वंचित किए गए सिख आवेदक को मुआवजे के रूप में पुलिस विभाग में नौकरी या ताउम्र पेंशन देने की मांग उठाई है। इस मौके पर जिला मुख्यालय की सड़कों पर केसरिया झंडों के साथ सिख समुदाय के लोगों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए इस घटना पर अपना विरोध दर्ज करवाया। पेपर 16,000 लड़कों ने लड़कियों ने दिया हुआ है और उसमें कई सिख लड़कियां थे, समझ रहे हो आप। एक ही को क्यों हमने रोकना है, ऐसे तो कोई कारण नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे सेपरेटली अगर बात करनी, आप मेरे को फिर से डिटेल दे दो, आपने क्या सुना बाहर, उसकी कोई मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये क्या कारण था। आपने डीसी साहब को जो ज्ञापन दिया है उस पे हम वो करते हैं, हम पिकअप करते हैं कि अगर ऐसा कोई स्पेशल कंसिडरेशन आए। अज मैं थोड़े राही लोगों नूं ते सरकार नूं ये दसना चाहना कि पिछले दिन ही साढ़े एक सिख नौजवान जो पुलिस की भर्ती हुई उन्हें समेत ककारा दे पुलिस की भर्ती दे विच बैठण तो रोकया गया। जदों के ककार पहनना हर सिख लई बहुत लाजमी ते जरूरी है, कलगीधर पातशाह ने 1699 की विसाखी ते हर सिख नूं पंज ककार धारण करके तैयार बर तैयार रहण दा हुक्म किया। असी आही ककार पहन के ब्रिटिश आर्मी दे विच भी लड़े, आही पंज ककार पहन के हिंदुस्तान दियां गुलामी दियां जंजीरां कट के हिंदुस्तान नूं आजाद करवाया। हिंदुस्तान की आज़ादी के 98% हिस्सा साडा सिखां दा ते पंजाबियां दा रहा, पर पता नहीं केड़ी साजिश है, केड़ी साजिश दे तहत सरकारां ये कम कर दियां पईआं। हालांकि सारे इस गल तो बड़ी सुचजे तरीके दे नाल जाणू ने भी सिख लई पंज ककार ही होना चाहिए, पंज ककार धारण करने चाहिए है, ते सानू संविधान की धारा 25 के तहत भी ये जिहड़ा हक है सानू मौलिक अधिकार सानू मिलिया होया है कि असी पंज ककार पहन के किते भी घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, उठ सकते हैं, बह सकते हैं। तो फिर साढ़े नौजवान नू पंज ककार धारण करके पुलिस की भर्ती के विच बैठण तो रोकया गया। आही साड़ी मंग है कि इसकी फ्री इनू दुध का दुध के पानी का पानी किया जाए, इसकी सारी वीडियोग्राफी जी सू दिखाई जाए, तो साढ़े जोड़े नौजवान इस तो वाझा किया गया है यू यदा मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि वो नौकरी का सवाल से वो जिंदगी का वो कैरियर का सवाल से उन्होंने सारी उम्र हो सकता है इस तो वाझा रहना पै जाए, उन्होंने जोड़ा मुआवजा ता उम्र सरकार पेंशन इनू लानी चाहिए है। फिर धन्यवाद। मैं मतलब 27 तरीक को रिटर्न टेस्ट था हमारा, हम वहाँ सुबह 10:15 पहुँचे, फिर पहली लाइन में लगे वहाँ पर दो कॉन्स्टेबल खड़े सी, वो कहंदे भी कड़ा चैनी वगैरह जो भी घड़ी वगैरह पहनी सारा उतार दो, घड़ी वगैरह तो हमने पाए पहले नहीं पाई थी। फिर मैं उन्होंने कहा हमारा छकया हुआ कि मैं कड़ा नहीं उतार सकता, वो कहंदे सानू ऑर्डर है भी मेटल नहीं अंदर जान देना, वो कहंदे तो अपना इंतजाम कर लै कड़े का भी जिदा भी हुंदा। फिर उन्होंने लाइन से बाहर कढ़ दिता, फिर मैं दूसरी लाइन च लग गया, उतों भी मतलब अंदर नहीं एंटर नहीं होने दिता। फिर गया मैं तीसरी बार SHO खड़े थे वहाँ सरदार जी, उनके बाद गया वो बोले तो मतलब मैंने उनको बताया कि कड़ा पहनना है भी मैं अमरा छका हुआ नहीं उतार सकता, वो कहते कोई होर पेपर दे ला कोई जरूरी नहीं है ही देना, कोई आर्मी वगैरह का दे ला। फिर उतों वापिस ही आ गया जी। हाँ जी DC साहब ने कंप्लेंट दी थी, उन्होंने उसी दिन इंक्वायरी थाने भेजती थी, वही SHO बयान लिख रहे थे मेरा। फिर उस तो बाद DSP रोली पास चली गई इंक्वायरी, उन्होंने बयान लिया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। दिव्य हिमाचल TV के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।
प्रकृति की गोद में बसे जिला ऊना के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी गोंदपुर बनेहरा अपर में बी फार्मेसी एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू हो गई है। कॉलेज चेयरपर्सन चंचला देवी ने बताया कि मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से प्लस टू मेडिकल अथवा नॉन मेडिकल में पास विद्यार्थियों हेतु बी फार्मेसी में डिग्री एवं डिप्लोमा के लिए 60-60 सीट्स का प्रावधान है, जिसके लिए सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के 10 प्लस टू में 45% अंक और ST/ST विद्यार्थियों के लिए 40% अंक अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि 2009 में स्थापित डीडीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय एवं PCI से अप्रूव्ड है। इसमें अत्याधुनिक सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट रूम, लैब्स, मशीन रूम, लाइब्रेरी, क्लासरूम्स, प्लेग्राउंड के अलावा अनुभवी एवं प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध है। यही वजह है कि डीडीएम में पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों की सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र की फार्मा कंपनियों एवं अस्पतालों में प्लेसमेंट की राह आसान हो रही है, जबकि PG डिग्री के बाद नामी शिक्षण संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा डीडीएम स्कूल में नर्सरी से लेकर 10+2 तक दाखिला प्रक्रिया भी जारी है। ज्यादा जानकारी हेतु एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।